हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, सेफ सुरक्षित अपने अपने घरों पर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो रहेगा मेरा एक एंट्रेंस पे मैंने एक छोटा सा गार्डन तैयार किया हुआ है, तो उसी का टूर जो है मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ। ये गार्डन जो है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज से 2.5 साल पहले जब हम लोग इस घर में यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमारे पास कुल 3 से 4 पौधे ही थे और इच्छा थी एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन बनाने की, लेकिन ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। पर धीरे धीरे प्लांट्स हमारे पास इकट्ठे होते रहे और हमें पता भी नहीं लगा, एक काफी अच्छी प्यारी सी प्लांट्स की एक फैमिली जो है, प्लांट्स जो है हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन आज मेरे पास है। तो उसी का टूर मैं आपको कराने वाली हूँ और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। और ये जो गार्डन है ये मेरी एंट्रेंस पर ही है, यहाँ पर ही मेरा गैराज भी है और यही जगह जो है हमारे शाम के टाइम बैठने के लिए भी, तो इसी को मैंने अपने तरीके से तैयार किया है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है मेरा ये एंट्रेंस गार्डन जो मैंने बनाया हुआ है, सामने से कुछ ऐसा नज़र आता है और बस एक छोटी सी जगह पे कुछ ग्रीनरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, यहाँ पे रोज़ का एक प्लांट लगा हुआ है, इसके बाद है जेड प्लांट, और जेड प्लांट जो है इससे तो ढेर सारे प्लांट्स मैंने और भी लगा लिए हैं बॉटल्स में, और इसके बाद है एक्जोरा जिस पे बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं, फ्लावर अभी आने वाले हैं इस पे, देखिए ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्रोटन का प्लांट, और ये भी बड़ा प्यारा प्लांट है, ये दो है मेरे पास एक दूसरी साइड रखा हुआ है। और उसके बाद है यक्का, यक्का का प्लांट ये जो आप देख रहे थे अभी, और अब है यहाँ पे सामने क्रिसमस ट्री, उसके सामने ही तुलसा जी हैं, और पीछे रखा हुआ है मैंने पाम ट्री, और ये पाम ट्री के सामने ही बेल पत्थर है जो काफ़ी हो रखा है हमारे यहाँ पे, और फिर है एस्पेरेगस जो बहुत ही प्यारा प्लांट है और बहुत अच्छे से हुआ है, यहाँ पर हो रखा है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो कुछ इस तरीके से मैंने रखा हुआ है, इसके सामने ही एक बास्केट में मैंने यहाँ पे मिनिएचर गार्डन बनाया है जिसका एक वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है अलग से, तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे जेड प्लांट की ही कुछ कटिंग मैंने लगा रखी है, और यहाँ पे स्नेक प्लांट है, और उसके साइड में ही है डिफन का प्लांट, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। एक बार तो ये पूरा ख़त्म ही हो गया था, फिर ये दोबारा से इसके ये सारे पत्ते आए हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। और ये है सदाबहार, बहुत सुंदर इस पे फ्लावर आते हैं, ये कलर भी बहुत सुंदर है इसका, कई कलर में आता है पर ये मुझे बहुत सुंदर लगता है ये वाला कलर। और इसके साइड में ही ये वाइट वाला भी सदाबहार है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और ये सारे ही प्लांट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, देखिए देखभाल तो चाहिए लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि एक दो दिन अगर नहीं संभाला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उतना नहीं है। और यहाँ पे है गुल दुपहरी जिसे पोर्चुला का भी बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे है अभी ये ड्रेसिना का एक पौधा, ये मैं सिर्फ 2 इंच का पौधा था, ये बेबी प्लांट मैं लेके आई थी अपने ससुराल से, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा हुआ है ये। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि जेड प्लांट की तो मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है, और एलोवेरा लगा हुआ है। अब मैं आपको बता रही थी कि ये ग्रिल है एक विंडो से उतरी हुई, ये वेस्ट पड़ी थी तो इसी पे मैंने इस तरीके से ईंटों के ऊपर इसे रख के स्टैंड जैसा बना दिया है और एक जंगल लुक क्रिएट किया है, क्योंकि एक तो आप देख ही रहे हैं जगह बहुत ही कम है ये जहाँ पे मैंने ये सब किया हुआ है, तो अगर हम खुले खुले रख देते तो इतने सारे प्लांट्स रख पाना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने क्या किया है कि सभी को साथ साथ में इस तरीके से रख दिया है, जंगल जैसा लुक क्रिएट किया है। और ये भी एक लकड़ी का वो जो जब घर वगैरह बनाया जाता है तो मिस्त्री से यूज़ करते हैं इसे, कुछ बोलते हैं चाली या कुछ ऐसे, तो ये वेस्ट पड़ी हुई थी, मैंने इसको कलर करके यहाँ पर लगा दिया है।
और इस पे जो है बेल वगैरह जो होती हैं वो इजीली इस पे चल जाएंगी अच्छे से और सुंदर भी लगेंगी। तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है हमारा ये छोटा सा गार्डन, बहुत ही सुंदर लगता है और वैसे भी मतलब सुकून सा मिलता है देख के, ग्रीनरी अपने चारों तरफ बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। तो बस यही एक छोटा सा मेरा गार्डन है जिसको मैंने यहाँ तैयार किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। यहाँ पर जो भी मेरे पास वेस्ट डिब्बे बॉटल जो भी होती हैं मैं सभी में प्लांट्स लगा देती हूँ, और ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो ऐसे ही हैं जो कटिंग से चलने वाले हैं, तो इसी वजह से मतलब इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आया है। जैसे कि आप देख रहे हैं पत्थर चट है, जेड प्लांट है और ड्रेसिना है, एलोवेरा है और एस्पेरेगस है, तो ये जितने भी प्लांट्स हैं, यक्का का है जो मैंने दिखाया था आपको, यक्का ये वाला इधर जो सामने दिखाई दे रहा था, तो ये देखिए ये यक्का है, और ये सारे ही प्लांट ऐसे हैं जो कटिंग से चलने वाले हैं और इनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। बस एक ऐसी जगह होनी चाहिए इनके लिए जहाँ पे इन्हें सनलाइट सिर्फ ठीक ठाक सी मिले, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ सनलाइट हो या फिर बिल्कुल ही ना मिले, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यही है मेरा छोटा सा गार्डन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ लग रहा है इसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे आपका सुझाव अच्छा लगा तो मैं उसे ज़रूर फॉलो करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोशिश करूँगी कि अगला टूर जब मैं आपको कराऊँ अपने गार्डन का तो ये प्लांट्स जो हैं इससे दोगुने हो चुके हों, क्योंकि मैं तैयारियों में तो अभी लगी हुई हूँ। अभी मुझे किचन गार्डन भी तैयार करना है, उसके लिए भी मैंने कुछ प्लानिंग की हुई है, तो जो भी चेंजेस होते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।